विवाह में सिंदूर दान करते समय कौन सा मंत्र बोला जाता है। तो ये प्रश्न आया था मेरे पास कुछ दिन पहले, विवाह में सिंदूर दान करते समय कौन सा मंत्र बोला जाता है, यानी सिंदूर जब मांग में बर भरता है तो कौन सा मंत्र बोला जाता है, पुस्तक से समझेंगे हम। सिंदूर दानम, ये लिखा है, पुनः वर अपनी अनामिका उंगुली से अंगुली को वधु के मस्तक पर रखकर ओम ये मंत्र बोलेगा और सिंदूर दान करेगा। तो ये पुस्तक का नाम है विवाह पद्धति, प्लेलिस्ट में जाकर पुस्तक की जानकारी आप ले सकते हैं। संपूर्ण मंत्र बोलेंगे हम, ये वैदिक मंत्र है, हरि ही ओम मा ओम शमंगलीरयम मधुरिमगु समेत पश्यतो सौभाग्यमस्ते दत्वा यथास्तम विपरीतन। एक बार दोबारा पढ़ती हैं, ओम शमंगलीरियम वधुरिमा गुं शमेत पश्यतो सौभाग्यमस्यै दत्वा यथास्तम विपरीतन। तोड़ तोड़ के और पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाए। ओम शमंगलीरियम वधुरिमा गुं शमेत पश्यतो सौभाग्यमस्यै दत्वा यथास्तम विपरीतो न। इसके अलावा एक दूसरा मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं सिंदूर दान के समय, वो है मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडिरी काक्ष, पुंडिरी काक्ष मंगलाय तनु हरि। तो ये मंत्र भी आप, यह पौराणिक मंत्र है इसे पढ़ सकते हैं, या ये वैदिक मंत्र है इसे पढ़ सकते हैं सिंदूर दान के समय। तो विधि क्या है, पुनः पर अपनी अनामिका उंगली को वधु के मस्तक पर रखकर ओम शमंगली समंगली रियम वधुरिमा गुं से पिपरेतनों तक मंत्र पढ़कर वधु के मांग में सिंदूर भरे। तो 5 बार या 7 बार, कितनी बार, पांच बार या 7 बार। फिर इसके अनंतर वधु के अपने बाएं भाग में बैठावे एवं उपस्थित 4 सौभाग्यवती स्त्रियां वधु के मांग में अखंड सौभाग्यवती भव कहकर भले वादे सिंदूर लगावे। यानी वर ये कर दे 5 या 7 बार भर दी, उसके बाद में बाम भाग में वधु को बैठाएं और सौभाग्यवती स्त्रियां सिंदूर लगाएं। क्या बोलें, अखंड सौभाग्य बती भव, ये कहते हुए अखंड सौभाग्यवती भव ये कहते हुए स्त्रियां सिंदूर लगाएं, इसी को मांग भराई भी कहते हैं और इसी को सिंदूर बुहारना, सिंदूर बहुरना
बहुरना भी कहते हैं। इसी को मंगभराई कहते हैं, इसी को सिंदूर बहुरना कहते हैं और इसी को सिंदूरदान कहते हैं। तो सिंदूर दान भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः हम समझ लेते हैं। सिंदूर दानम, पुनः बार अपनी अनामिका उंगली, अनामिका ये उंगली होती है ऐसे करके, अनामिका उंगली को वधु के मस्तक पर रखकर या चांदी का और सोने की अंगूठी या सोने की कोई वस्तु या एक टन्ना लेकर भी बहुत सी जगह किया जाता है। तो आप एक सोने की अंगूठी ले लें, ऐसे पकड़ लें हाथ में और उससे करें तो ये बहुत शुभ माना जाता है। वधु के मस्तक पर रखकर ये मंत्र पढ़ेंगे, ओम सुमंगलीरियम मधुरिमा गुंग शमे तपस्वतो सौभाग्यमस्य दत्वा यथास्तम विपरीतो नौ। मंत्र पढ़कर वधु के मामा शंकु भरे, इसके अनंतर वधु अपने बाएँ भाग में बैठावे एवं उपस्थित चार सौभाग्यवती स्त्रियां वधु के मांग में अखंड सौभाग्यवती कहकर भली भांति सिंदूर लगावें। इसी को सिंदूर बहारना कहते हैं।